स्वच्छ भारत अभियान को पलीता लगा रहे प्रधान, जनता से किए हुए वादों में प्रधान हुए नाकाम। बिठूर विधानसभा क्षेत्र के लुधवा खेड़ा गांव के प्रधान रवि निषाद अपने क्षेत्र में स्वच्छ भारत अभियान को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। क्षेत्रवासियों ने बताया कि गांव में पिछले 8-10 वर्षों से ना तो जलभराव की समस्या खत्म होती है और ना ही बिजली की समस्या और ना ही जिला प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था की जाती है। पानी भर जाने के कारण बच्चों को स्कूल जाने के लिए गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है और इसके कारण यहाँ के बच्चे आए दिन बीमार पड़ रहे हैं और ना ही साफ सही से पढ़ पाते हैं और ना ही यहाँ साफ सफाई रहती है। अब ऐसे में जहाँ एक तरफ भाजपा सरकार स्वच्छ भारत मिशन पूरे देश में चला रही है, वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस मिशन पर पानी फेरने का कार्य कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कटरी के लुधवा खेड़ा के ग्राम प्रधान रवि निषाद की ग्राम वासियों ने बताया कि साफ सफाई के नाम पर सफाई कर्मी अभी 8 दिन बाद या कभी 15 दिन बाद ही आते हैं और बाहर से ही चले जाते हैं। देखकर वही क्षेत्रवासी ने यह भी बताया कि जगह जगह पर जिससे क्षेत्रवासियों को लाइट की समस्या का सामना भी करना पड़ता है। कई बार तो लाइट सिर्फ आधे घंटे ही आती है। अब ऐसे में बिठूर विधानसभा से विधायक अभिजीत सिंह सांघक के क्षेत्र में प्रधान रवि निषाद क्षेत्र की जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अब ऐसे में बिठूर विधानसभा से विधायक अभिजीत सिंह सांघा के क्षेत्र में प्रधान रवि निषाद क्षेत्र की जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं। वहीं क्षेत्र की जनता अपने प्रधान से नाखुश नजर आ रही है। अब ऐसे में क्या विधायक अभिजीत सिंह सांघा क्षेत्र की जनता का भरोसा दोबारा जीत पाएंगे? आखिर कब तक क्षेत्रवासियों को पेयजल एवं सफाई की समस्याओं से जूझना पड़ेगा? संवाददाता चंदन सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कौन सा क्षेत्र लगता है? जल भराव को समस्या के लिए कितने दिन चल रही है? अरे ये कम से कम 10 साल है ना। यहाँ पे सब प्रधान आते जाते हैं, सब देखते हैं, मगर कोई सुन नहीं। और जो विधायक जी हैं वो भी कहे जाते हैं, वोट लेने आते हैं सबको। प्रधान जी को समस्या ले जाते हैं? हम लोग नहीं जाते, वोट वो कहते हैं कि वोट नहीं दिया है तो हम लोग विकास नहीं करेंगे इधर का। और ये जो है उनके क्या नाम है विधायक भी है, वो भी कह जाते हैं कि सड़क बनवा देंगे, वोट पा जाते अभी से संघा। ये क्या प्रधान जी से कोई मदद मिली? क्या जिला प्रशासन से आपको यहाँ से मदद मिली? कोई नहीं। जिला प्रशासन से कोई दवा वा कुछ भी नहीं? यहाँ कोई भी देखने तक नहीं। ऐसी जगह हम लोगों को बहुत भारी पड़ती है। इस गाँव में कितने आदमी रहते हैं? यहाँ से बच्चे निकलते हैं जल भराव से? रोज ऐसे निकलते हैं? हाँ जी, यहाँ ऐसे ही निकलते हैं। रोज डेली बच्चे मलहाते भी हैं, रोज बच्चों के छाले भी पड़ते हैं। देख लीजिए आप, यही सब कीड़े मकोड़े और यहाँ पे जहरीले सांप भी रहते हैं, सब कुछ रहते हैं यहाँ पे। अब हम लोग मलहा भी नहीं सकते पानी की वजह से, सब रहते हैं यहाँ पे, पूरा जंगल है समझ लो। हम लोगों को रहना भी भारी है। रात बिरात बच्चे पढ़ते भी हैं, वो भी गंदे में कहाँ सोए कहाँ बैठे, यही पानी ये सब भरा रहता ही है। और क्या नाम है आपका? गंगाराम। कौन सा क्षेत्र लगता है? ये मगल सिंहसरा ग्राम जल्दीसरा। ये जो जल भरा होता है सब कितने दिन से चल रही है? ये तकरीबन 8 साल से चल रही है। क्या प्रधान जी का कभी दिन से लेकर? बढ़िया। क्या प्रधान जी जब जाते हैं तो देखने सब नहीं जाते हैं? ये जो गांव प्रधान है तो गांव के तो प्रधान खुद ही देखना चाहिए था कि क्या आपकी आप शिकायत क्या विधायक को करिए आपने? जी विधायक विधायक से किया या पंचायत वाले से किया, सब यही कहते हैं कि ठीक है बनवा देंगे, जो इलेक्शन खत्म हो जाए वोट दीजिए, वोट पड़ जाए जीत जाएंगे तो हम आपका काम करेंगे। क्या जिला प्रशासन की तरफ से कभी कोई दवा दवा का छिड़काव उड़काव कुछ बात हुई है? अभी नहीं हुआ। यहाँ से ब्लॉक भी आता है सफाई से करने के लिए? सफाई का करने के लिए जमादार आता है तो वो जो है 2-3 महीना 4 महीना में यहाँ एक दो आता है। हाँ बाकी हम लोग खुद अपना अपना दरवाजे दरवाजे सफा करते हैं। आप सरकार से क्या मांग करते हैं? हम सरकार से भी मांग करते हैं कि ये रोड उल्टा किया जाए और उसका कहीं नाला बना करके नाल पानी बाहर गाँव निकाला जाए और बिजली भी नहीं आती है और घंटा आधा घंटा बिजली आती है और सारा दिन हो जाता है, कभी कभी घंटा बिजली नहीं रहती है।
बच्चे पढ़ नहीं पाते,